क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पे। ओके, तो एक्सरसाइज ये 13.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर, तो देखें आप अभी अपने बुक में क्वेश्चन नंबर फोर क्या गिवेन है हमें। क्वेश्चन नंबर फोर जो गिवेन है वो ये है, द पेंट ऑफ अ 13 कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी जो पेंट है वो कितनी एरिया पे पेंट करने के लिए है, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट करने के लिए वहाँ पे पेंट अवेलेबल है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, ओके डायमेंशंस गिवन है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ओके, इस कंटेनर से हमें ब्रिक को पेंट करनी है। ओके, सिंगल सिंगल ब्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे जो जो गिवेन है लेंथ। पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में। ओके, सो ब्रिक्स का यहाँ पे जो लेंथ गिवेन है यानी वैल्यू ऑफ एल कितना, 22.5 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम बात करें ब्रेथ की तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रेथ हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे गिवेन है हाइट, ओके वन ब्रिक का जो हाइट है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ वन ब्रिक इज 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, ब्रिक्स को पेंट करने के लिए, ब्रिक्स को पेंट करना है तो हम निकाल लेंगे, पेंट करना है तो ऑल सर्फेसिस पे, टोटल सिक्स सर्फेसिस पे पेंट करते हैं। तो टोटल सिक्स सर्फेसिस पे जब हम पेंट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ओके, वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2lb प्लस bh प्लस hl। ओके, 2l इंटू बी यानी 22.5 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ यानी 10 प्लस b इंटू h, ब्रेथ गिवन है 10 मल्टीप्लाई हाइट यानी 7.5 गिवन है प्लस h इंटू l यानी 7.5 मल्टीप्लाई बाई 22.5। यहां से कैलकुलेट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो करते हैं कैलकुलेट, 22.5 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 का डेसिमल रिमूव हो जाएगा, कितना हो गया 225, 10 का मल्टीप्लाई किया 7.5 में तो ये हो गया कितना 75, और 7.5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 में तो ये हो जाएगा 168.75। अब ये जो डेटा है इस डेटा को क्या करें, आप ऐड कर लें। ओके, ऐड करेंगे तो 225 प्लस 75 प्लस 168.75, इसको ऐड करके आपको करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटली जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करना है, 225 प्लस 75 और कितना 168.75, तो इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 एंड 5 5 10 और 10 8 18 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना आया 1 आया, तो 6 2 1 3 7 3 10 10 10 10 6 10 7 3 10 ओके 10 6 16 1 हो जाएगा यहाँ पे 10 1 16 का 6 हो जाएगा एंड 2 1 3 2 1 3 1 कितना होगा, कैरी आया था 4 4 तो 468.75, और 468.75 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में भी है, सो 2 का मल्टीप्लाई 5 2 से 10 का 0 2 7 से 14 1 15 का 5 कैरी 1 2 8 से 16 2 8 से 16 1 17 का 7 17 का 7 कैरी 1 एंड 2 6 से 2 6 से 12 1 13 का 3 कैरी 1 एंड 2 4 से 8 और 1 9 और 2 डिजिट पर डेसिमल, तो 937.50, देखो मैंने यही लिखा है 937.50। तो ये आ गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ओके, ये आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। हमें क्वेश्चन में गिवेन था कि द पेंट ऑफ आर कंटेनर सफिशियंट टू पेंट अ एरिया, तो कितना एरिया पेंट, ओके एरिया पेंट कर सकते हैं, एरिया टू बी पेंटेड यानी कितना एरिया पेंट किया जा सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। देखो ये मीटर स्क्वायर में फाइंड हुआ है, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पे,
मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको करना है मीटर स्क्वायर में, तो आपको डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 937.5 इंटू वन अपॉन 100 इंटू 100, टू टाइम्स, बिकॉज सेंटीमीटर को हम मीटर स्क्वायर में कर रहे हैं। तो टू डिजिट पे 20, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, टू डिजिट और, तो डेसिमल यहाँ और एक जीरो, तो 0.09375 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, तो एरिया ऑफ वन ब्रिक, ओके, और टोटल एरिया ये है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, कितनी ब्रिक्स पेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए टोटल पेंट अवेलेबल, तो टोटल एरिया जो अवेलेबल था पेंट के लिए कितना, ए टोटल पेंट अवेलेबल जो था डिवाइड बाय पेंट ऑन वन ब्रिक, पेंट ऑन वन ब्रिक। ओके, तो वन ब्रिक का एरिया ये है और टोटल एरिया ये है, तो टोटल एरिया कितना था 9.375, और डिवाइड बाय करेंगे जो एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो एरिया जो पेंट करेंगे वन ब्रिक पे वो कितना, 0.09375। ओके, अब हमने यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 0, और नीचे ये रिमूव करेंगे तो 1, 2, 3, 0, ये से क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज 9375 ऊपर, 9375 नीचे, एंड 30 से यहाँ पे 30 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 100। ओके, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 100। ये 100 क्या, 100 ब्रिक्स क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। सो हेंस द पेंट ऑफ दिस कंटेनर कैन पेंट 100 ब्रिक्स। हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने थे, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 100 ब्रिक्स को यहाँ पे पेंट किया जा सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।